दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 27 सितंबर 2020 का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। मित्रों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 27 सितंबर 2020 के पंचांग के बारे में। आज तिथि है एकादशी, नक्षत्र है श्रवण, पक्ष है शुक्ल पक्ष, दिन है रविवार। आज के दिन सूर्य उदय का समय है 6:12 में, सूर्य अस्त का समय है 6:11 में, ऋतु है शरद। आज का दिन काल है 11:59.04 का, महीना है अश्विन। आज के दिन शुभ समय शुरू होता है 11:47 AM से 12:35 PM तक। आज के दिन अशुभ समय शुरू होता है 4:35 PM से 5:23 PM तक। राहु काल शुरू होता है 4:41 PM से 6:11 PM तक। दिशाशूल है पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे हर हर महादेव कमेंट कर दें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके कामकाज, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, कामकाज के लिहाज से आपका समय सामान्य रहेगा। दोस्तों, आज से पहले अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम किसी भी कारण से पूरा नहीं हुआ था, अधूरा था, तो आज के दिन अपने अधूरे काम को आपको पूरा करना होगा। क्योंकि आज के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपका कामकाज बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय आपका साथ नहीं देगा। दोस्तों, आज से पहले अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो आज के दिन उस परेशानी को खत्म करने का प्रयास आपको करना होगा। दोस्तों, आप में से जो भी लोग नशा पान करते हों, धूम्रपान करते हों या शराब का सेवन करते हों, तो आज के दिन इन चीज़ों को आपको त्यागना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके स्वास्थ्य के मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आप में से जो भी जातक, जो भी दर्शक, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो आज के दिन समय के दुरुपयोग से आपको बचना होगा। क्योंकि आज के दिन पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अगर आप समय का दुरुपयोग करते हैं तो आने वाले समय के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक और उपाय क्या है।
दोस्तों आज के दिन अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको भगवान में विश्वास रखना होगा। आज के दिन आपको मानसिक हिंसा से बचना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दौरान कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 3 यानी कि 3। आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है नारंगी और सुनहरा। तो दोस्तों यही था आपके आज के दिन का राशिफल। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें। धन्यवाद।